नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आजकल अनुपमा के एपिसोड्स बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो आज की कड़ी भी कुछ इसी तरह से थी और आपके बड़े प्यारे प्यारे ऑडियोज भी हमारे पास आए हैं, तो आपके रिव्यूज तो सुनने ही हैं। मगर पहले मुझे एक गुजारिश करनी है, वो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दूसरी गुजारिश ये है कि मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि अपने ऑडियोज 10 मिनट से ज्यादा मत भेजिए प्लीज। अभी आज तो मैं सबके ऑडियोज यूज कर रही हूँ, कुछ ऑडियोज तो बहुत ही प्यारे शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं और कुछ इतने लंबे होते हैं कि अगर काटोगे तो आप बुरा मानेंगे, अगर नहीं काटूंगी तो मेरे साथ जो मेरी टीम है वो बुरा मानेगी क्योंकि उनको उसमें थोड़ी सी लेंथ की प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अपने ऑडियोज 10 मिनट्स के बीच बीच में भेजने की कोशिश कीजिए, कम शब्दों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। नहीं तो फिर मेरा पार्ट बीच में से वो लोग काट देंगे कि अब आप बीच में मत बोलिए, सिर्फ ऑडियोज ही चलाइए। ये भी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं, अगर आप वो चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी लंबे भेजिए। तो चलिए, ये तो मुझे आपसे शेयर करना ही था अपनी प्रॉब्लम को, तो अब आपसे मैं शेयर करती हूँ आपके ऑडियोज जो इस तरह से है। पहला ऑडियो सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, आज का एपिसोड मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, कल का भी बहुत अच्छा लगा था। वाकई में मतलब, पर मेरे को पाखी का समझ नहीं पड़ा, जब वनराज पुलिस में फ़ोन कर रहा था तो पाखी ने उसको बचाने की, अनुज ने सही कहा कि बड़े बड़े गुंडे महात्मा बनते जब पुलिस का नाम सुनते, और पाखी अधिक भी वही कर रहा है, मतलब सही बात है। अधिक कोई सुधरा नहीं है, वो जब हाथ पकड़ती है तो ऐसे करके देखता है, मतलब वो सुधरा नहीं, वो सिर्फ ये। पर इस बार अनुपमा का जवाब बरखा को देते हुए मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे से बड़ी थी और आपने कितनी हदें पार करी, फिर भी मैंने आपको झापट नहीं मारी, मतलब मार सकती थी, मारना चाहिए था। मैं तो चाहती हूँ कि बरखा को भी एक ऐसा पड़े और इनको दोनों को घर से बाहर निकाल दे। अधिक ने हद कर दी, निष्ठा की कहते हैं ना, जिसको हद कर दी है बिल्कुल। पर पाखी क्यों इतना सब सहन कर रही है पता नहीं, जब घर वाले साथ दे रहे हैं, सब साथ में खड़े हैं। आज वनराज का भी ये अच्छा लगा, डिम्पी अलग नाटक कर रही है, एक झापड़ तो डिम्पी को भी पढ़ना चाहिए अनुज के हाथ से, और बिल्कुल कपड़िया मेंशन में नहीं आने की हिदायत देके उसको भगा देना चाहिए। ये इसी लायक है साले, जिनको अपना समझो। ये मेरे भाभी का भाई ऐसा बोला तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, साला अपने बाप का मकान समझ के रह ये कर रहे, यूज़ कर रहे और फिर भी उनकी प्रॉपर्टी पे ये। बरखा तो वाकई में गिरगिट से भी गई भी थी, एक भाभी ऐसी होती है क्या, ही अपने ही भाई का ये कर रही है, यूज़ कर रही है, बहुत बेकार। पर मेरे को आज का धारावाहिक बहुत अच्छा लगा, अब ऐसा लगा कि अनुज अनुपमा बैक, अब अपने पावर में आ रही है दोनों, इसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया। और रोमिल बड़े इससे मज़ा ले रहा है, उसका भी देखने लायक था। अच्छा लगा, बढ़िया। और मेरी सभी सहेलियों को तो प्यार भरा नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो, कल नागपंचमी है, देखो क्या बनाते हैं, सबको बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बढ़िया ऑडियो था आपका, शॉर्ट एंड बहुत ही स्वीट। तो आपके आज गंगू जी की आवाज नहीं सुनाई दी, वो जरूर थोड़ा बहुत सुना दिया कीजिए कि बहुत ही प्यारी लगती है उनकी आवाज। तो थैंक यू सो मच, भेजते रहिए अपना ऑडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा सुबह का नमस्कार। उस दिन जब पाखी अधिक को थप्पड़ मारने जा रही थी तब बा गलत समय पहुंच गई थी, अगर ना पहुंचती तो अधिक को थप्पड़ पड़ जाता तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती हाथ उठाने की। आज एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था, अधिक पूरी तरह एक्सपोज हो गया। अनुपमा ने देख लिया अधिक को थप्पड़ मारते हुए पाखी को, उधर रोमिल खुश हो रहा है, अपने को शाबाशी दे रहा है, और जब अनुपमा ने देख लिया तो अनुपमा थप्पड़ मारो अधिक को, अनुपमा ने थप्पड़ नहीं मारे, चलो कोई नहीं। रोमिल ये देखना चाहता है कि सन इल्ला की बदतमीजी पर क्या स्टैंड लेती है,
सही रहा अनुपमा को, चलो पता तो चल गया। अधिक बहुत परेशान हो रहा था कि मैं फिनिश्ड। उस पर रोमिल उसको चिढ़ा रहा था। पाखी अब भी छुपाने का प्रयास कर रही है अपनी मम्मी से। सही किया अनुपमा ने, मिस्टर शाह बाबूजी बा को बुला लिया। वनराज समझ गया कि बात पाखी की है, इसीलिए अनुपमा ने फ़ोन करके मुझे बुलाया है। बरखा अधिक पर बरस रही है कि अनुपमा चुप रहने वालों में नहीं है। उसको अब भी अपनी बर्बादी की पड़ी है। सही कहा बरखा ने, बच्चों की बात आती है तो वनराज एक पागल हाथी बन जाता है। एज यूजल अपने स्वभाव के अनुसार डिम्पी नागिन फुंकार मार रही है और समर को सुना रही है और सामान इधर उधर फेंक रही है, पर समर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सब कपाड़िया हाउस में खड़े हैं टेंशन में, पर रोमिल मज़े ले रहा है। खैर जो भी है, रोमिल की वजह से सच सामने आ गया। वनराज के प्रश्न पर बरखा का बीच में बोलना, उस पर अनुज का बोलना लाजवाब लगा। कितनी बदतमीज है बरखा, उदाहरण भी कैसे कैसे दे रही है। बरखा अनुपमा को थप्पड़ क्वीन बोल रही है। उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बोलने की। सच में अनुपमा ने कितना अच्छा जवाब दिया बरखा को, आप रिश्ते में बड़ी हैं, कितनी बदतमीजियाँ की, पर आप पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। अनुज ने वार्न किया बरखा को, मेरे पास बहुत अधिकार है, एक भी यूज किया तो क्या होगा। अनुज ने कितना अच्छा कहा कि अधिक ने जो किया है उसकी सजा देने का अधिकार पहले उसके माता पिता को है। आज बा ने क्लियर कर दिया कि गोद भराई वाले दिन भी अधिक ने गलत किया था पाखी के साथ, और मैंने ही पाखी को गलत समझ लिया। पाखी तो बता रही थी पर मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। चलो पाखी ने बताया तो कि अधिक पहले भी थप्पड़ मार चुका है। अनुपमा कस कर पाखी को पकड़ती है तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है। तब उसका बाँह देखी जाती है तो उसके हाथों पर भी निशान है। अनुपमा रो पड़ती है उस सब देखकर, और सबको भी बुरा लगता है, जो कि जायज़ भी है। किसी की भी बेटी के साथ ऐसा होगा तो बुरा तो लगेगा ही। वनराज सही कह रहा था, पता नहीं क्यों बोल पड़ी अनुपमा। अरे पड़ जाने देती उसको, तब तो समझ में आता कि दर्द क्या होता है। एक कहावत कही गई है कि दामाद के पैर पूजे जाते हैं, पर अगर वक्त आता है तो पीठ भी पूज दी जाती है। वनराज डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात कर रहा था, अनुज की सहमति थी उस पर पाखी परेशान हो रही है। रोमिल खुश होकर सब कुछ देख रहा है। वनराज पुलिस को फ़ोन कर रहा था, उस पर पाखी ने मना कर दिया कि हमको कंप्लेंट नहीं करनी है। पाखी का रोल आज हमको बहुत गंदा लगा। ये क्या बात हुई कि पति पत्नी के बीच की बात है, हैंडल कर लेंगे तो ठीक है। पाखी मैडम, हमेशा ऐसे ही अधिक की मार खाती रहो और मरो उसी के साथ। प्री कैप में देखा कि बरखा ने समझा कर अधिक से माफ़ी तो मंगवा दी। सच कहा अनुज ने अनुपमा से कि जेल की बात पर हर क्रिमिनल ऐसे ही माफ़ी मांगता है, पर अनुपमा का रूप अच्छा लगा। अब अनुपमा ज़रूर कुछ करेगी। एक बात देखी सबने, अधिक जब माफ़ी मांग रहा है और पाखी उसका हाथ पकड़ती है, तब अधिक का एक्शन तुरंत उसके चेहरे का बदल जाता है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। मैं भी बहुत हैरान हुई जब बरखा एग्जाम्पल्स दे रही थी, अजीब तरह की फनी सी लग रही थी कि ये बोल क्या रही है, क्या खुद को भी सुन रही है, अपने भाई को डिफेंड करने में कुछ भी बोले जा रही थी। तो होता है, वो हुआ बरखा को भी, तो आपने भी नोटिस किया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कुमुद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजू मैम, आज का इंडिया में देखकर यानी बहुत मजा आया, और पाकी के साथ यानी बहुत यानी गलत हुआ, और वरना आज का गुस्सा जायज़ था और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। और मैंने नहीं कल भी यही कहा था कि पाकी जिस तरह ये प्रोमो में नहीं दिखाया गया था, पाकी इस तरह अपने माँ के साथ नहीं करेगा। तमाम पाकी अपने नहीं पति को सपोर्ट अभी भी कर रहा है, मगर माँ के साथ अभी तक बदतमीजी जिस तरह प्रोमो में दिखाया गया था नहीं कर रहा है। मैंने कल भी कहा था वो प्रोमो में जो कुछ था वो उसे एक झूठ की एक बिना पर था, और ये बात ही नहीं सच हुई। और अब आगे क्या होगा यानी हम भी यानी देखने के लिए बेताब हैं, और आज के यानी प्रोमो यानी बदल गया था।
ड्यामे की शुरुआत में रोमेल कहता है प्रोबेट टाइम पेरानोपामा कमरे में आकर पाकी को अपने साथ ले जाता है। आज अनुपमा का गुस्सा डर यानी हमें देखने को भी मिला चेहरे पर। और ये यानी अनुपमा की यानी आज तक यानी आए क्योंकि माँ बेटी का यानी प्यार। और जब बेटी पर यानी अपने आंखों के सामने अगर किस कोई भी हो अगर मारे तो यानी कितनी माँ को दर्द होती है यानी और सबको यानी पता है। पति अगर अपने पति पत्नी को यानी मारे ये तो यानी बहुत बड़ा यानी सदमा होता है अपनी माँ के लिए। और फिर बेटी को यानी देखा आज पाकी को थप्पड़ मार दिया था अधिक ने। फिर रोमेल कहता है मेरी बदतमीजियों पर तो ये बहुत यानी ये करता था और अपने बेटी के लिए क्या करेगा। फिर आदिक कहता है यार मैंने क्या कर दिया अब तो मम्मी ने भी देख लिया अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता किसी से। आई एम डन अब हम फिनिश आदि कहता है। फिर रोमेल आकर कमरे के दरवाजे पर सीटी बजाता है रोमेल को यानी रोमेल आदि को। फिर अनुपमा सीटी को अपने कमरे में ले जाता है। अनुपमा सीटी को गले लगाता है। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों मम्मी आप गलत समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अनुपमा कहते हैं स्वीटी क्या तुम पागल हो गए हो तुम अपनी उस पति की गलती की को पर्दा डाल रहे हो। तू अनुपमा 25 साल से वैसी थी क्या तुम अब दूसरा अनुपमा बनना चाहते हो क्या तुम्हें वो दूसरा अनुपमा बनना है क्या पागल चोकरी। वो सदी की हिम्मत कैसे हुई आप पर हाथ उठाना और मुझे कान्हा जी की कसम। फिर पाकी कहता है मम्मी मम्मी आदि कैसा नहीं है आदि कैसा नहीं है बस आदि ने गुस्से में ऐसा क्या आए। मम्मी मैं हूँ मैं सब संभालूंगी मैं आपकी बेटी हूँ मैं सब संभालूंगी बस आप किसी को मत बताना बात तो अब होगी। अनुपमा कहता है स्वीटी को बात तो अब होगी अब बात मैं करूँगी मम्मी प्लीज़ मम्मी नहीं मिस्टर शाह माँ बाबूजी को अभी मेरे घर में ले आओ अभी के अभी जल्दी। अनु क्या हुआ है कुछ बताना है आपको। फिर बाँ कहता है वरनाज को क्या कहा है अनुपमा ने। बाबूजी कहते हैं वहाँ सब ठीक है ना अनुपमा ने हमें अपने घर बुलाया है क्यों ऐसी क्या बात हो गई। बाबूजी कहता है ये नहीं बताए मगर ज़रूर कुछ बात हुआ है ए भगवान क्या हो रहा है। बाँ कहता है मुसीबत क्यों हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बात अगर सिर्फ अनुपमा की घर की होती तो हमें ना बुलाती ज़रूर हमारी ज़रूर वहाँ कुछ हुआ है। वरनाश कहता है मेरी बच्ची। बरकादी को कहता है तुमने पाकी के साथ क्यों हाथ उठाया है तुम पागल है पागल हो क्या पागल हो क्या हम वैसे फंसे हुए हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। पाकी बर्दाश्त कर लेगी अनुपमा चुप नहीं रहेगी वो तेरी काल उठे कर भूसा बना देगी और अनुज आपको सड़क का भिखारी बना देगा। अरे वरनाज की तुम बात ना कर जब अपने बच्चों की बात आती है वो एक पागल हाथी बन जाता है। अधिक तुझे पता नहीं है तुमने क्या किया है। अरे मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है गुस्से में हो गया है। अरे क्या तुम बोल रहे हो क्या गुस्से में हो गया है ये तो वही बात हो गई गोली चल गई बंदूक को पता ना चला। अब तुम बात ना करो मेरा सर वैसे भी पट रहा है क्या आपका सर पट रहा है।
टिम्पी का गुस्सा, कमरे में चीज़ें उधर उधर फेंक देना, समर का खामोश हो जाना और कमरे से फिर बाहर निकल जाना। जब बंटवारा हो गया है तो आपको क्या ज़रूरत है उनसे, यानी खाना खाने के लिए आप क्यों गए थे? मम्मी ने कहा था हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मगर तुम उन सब के पास क्यों गए हो? पर क्यों गए थे? फिर समर कमरे से बाहर चला जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, वरना जान कहता है अधिक को। बरका कहता है वरना प्लीज शांति से बात करते हैं। थैंक यू सो मच जहूर भाई आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही पकड़ा था कि प्रोमो में बहुत ज्यादा दिखाया, पाखी ने उतनी बदतमीजी अपनी मम्मी के साथ नहीं की है, बल्कि उसकी तो फाइट ही अपनी मम्मी के साथ शुरू हुई है, क्योंकि मम्मी के लिए जब अधिक बोला तभी उसकी फाइट शुरू हुई। तो थैंक यू सो मच जहूर भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। समर ने डिम्पी को उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, बेहतर किया। एक सवाल का जवाब वो देता तो दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता और इस तरह से लड़ाई तो तय ही थी। समर की एक चुप ने घर को अखाड़ा बनने नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। समझदार व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही करता है ताकि लड़ाई से बचा जा सके। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, उसके लिए दूसरा हाथ तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। समर ने भी ऐसा ही किया। खामोशियों की भी जुबा होती है, खामोशियों की भी जुबा होती है, चीखती हैं बहुत खामोशियाँ, कभी कान लगाकर सुनो तो ज़रा। खामोशी समर की डिम्पी से बहुत कुछ कह कर गई। अब समझना तो डिम्पी को है समय रहते, वरना तो बर्बादी तय है। पाखी समझदार बनने की कोशिश कर रही है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रेम रूपी हथियार का यूज कर रही है, हिंसा को सहन कर रही है जो कि गलत है और वो कर रही है। लेकिन अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी। अगर अधिक पाखी के प्रेम को समझ जाता है, ये समझ जाता है कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, तब भी उसकी बहन तो वैम्प है, वो तो नेगेटिविटी उसमें भर ही देगी। देखना ये है कि अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या कि बहन के दिमाग का। बरखा अपने भाई को बचाने के लिए बेवकूफ़ों भरे एग्जाम्पल्स दे रही है, और उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिसने कभी घर संभाला ही नहीं, जो कि उसे आता ही नहीं, तो वो ऐसी ही हरकतें तो करेगी। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत ही प्यारा ऑडियो था और बहुत ही अच्छी शायरी थी। अगर ये आपकी है तो भी ठीक है, अगर किसी और की है तो उसका नाम जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये एक ऑनर होता है किसी भी शायर को, अगर हम उनकी शायरी यूज करते हैं तो उनका नाम हम जरूर लें। और अगर आपकी है तो भी आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज का अनुपमा देखा बहुत अच्छा था, आज का अच्छा हुआ मेकर्स ने मतलब अनुपमा को वहाँ पे दिखाया। लेकिन पाखी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आपने जो देखा वो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा किया अनुपमा ने कि वनराज को फ़ोन करके कबाड़िया हाउस में बुलाया। वनराज ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की। बरखा का ये बोलना कि गुस्से में अधिक ने उठा दिया होगा, ये सब गलत बात है। कैसी औरत है कि मतलब बोलती है कि हो जाता है गुस्से में। फिर अनुपमा को बोलने लगी, बोलती है कि तुमने भी तो काव्या को, पारितोष को और पाखी को हाथ उठाया था। गुस्से में और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। लगता है बरखा कभी सुधरेगी ही नहीं। मेरे को लगता है इसकी ऐसी सी आदत थी, इसके लिए इसके भाई लोग ने इससे रिश्ता तोड़ दिया, इसको निकाल दिया वहाँ से। अरे ऐसी बहन को कौन रखना चाहेगा जो अपने भाई का घर तोड़ने पर लुगी पड़ी है। अनुज ने जो कहा बहुत अच्छा कहा कि इसी घर में रहते हुए किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे औरतों के और लड़कियों के साथ ऐसा बदतर सलूकी हो रही है। अनुज ने जब कहा कि अब पाखी इस घर की सिर्फ बहू नहीं मेरी बेटी भी है,
और मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और करना भी नहीं चाहिए। फिर बा ने बोला कि मेरे को लगा था कि पाखी ने अधिक के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग हो रही है कि मैंने अपनी पोती को गलत समझा। अनुज ने सही कहा कि उसको मार के उसका अपने हाथ को गंदे क्यों करना। पाखी गलत कर रही है यहाँ पे कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ये डिम्पी ड्रैगन तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग को लगा किंजल की बातों का कुछ तो असर हुआ होगा उसके ऊपर। मुझे तो लगता है उसको खाना बनाने भी आता है या नहीं। उल्टा समर को बोलती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट करी थी, तुम अभी आ रहे हो, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था, तुमने बा के हाथ से खा लिया। उसको इस बात से खुश होना चाहिए कि कम से कम समर ने खाना तो खाया। चिल्ला रही है, इतनी बदतमीज लड़की है। कल अंकल ने जो स्टैंड लिया और कहा कि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ ना हो, लड़कियों औरतों के साथ जो उन्होंने कहा वो सही कहा कि बहुत सारे जगहों पे ऐसी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें होती हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है उनके साथ। बहुत अच्छा लगा, अंकल का पॉइंट अच्छा था, थैंक यू। श्रद्धा दीदी का भी ऑडियो अच्छा था। अपने ऑडियो में लेके अनुज को काफ़ी ज़्यादा, अनुज के कैरेक्टर को जितना डिफेंड करने की कोशिश करती हैं, उनकी जो आवाज़ है अनुज कबाड़िया की रियल वाइफ के जैसी ही है। मैंने पहली बार जब सुना था उनकी आवाज़ को तो मुझे लगा था कि मैंने इस आवाज़ को सुना है। उसे मान को कोई हेट नहीं करता, सब लाइक करते हैं, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बस नज़रिया सबका अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होती है। अनुज के कैरेक्टर को लेकर श्रद्धा दी बहुत ज़्यादा इमोशनल लगती है। और रही बात तो बाकी बद्दुआ की, मतलब उन्होंने कल बताया था कि बा हमेशा बद्दुआ देती रहती है वो लोग। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे कोई कितना भी बद्दुआ दे। बा ने बद्दुआ दिया लेकिन उल्टा उन्हीं के घर पे लगाया वो सब चीज़ें। मान को सब बहुत प्यार कहते हैं, थैंक यू। श्रद्धा दी मतलब जिस तरीके से अनुज कवाड़िया के कैरेक्टर को लेकर डिफेंड करती रहती, वो एक फैन और एक क्रश वाली फीलिंग नहीं है, काफ़ी अलग फीलिंग होती है। उनकी फीलिंग्स कुछ अलग ही लगती है, अलग लेवल वाली लगती है। अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर को लेके हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उन लोग को साथ में। लेकिन श्रद्धा दी की फीलिंग एकदम रियल वाली लगती है क्योंकि उनकी आवाज़ ही आकांक्षा चमोला के जैसी ही है। बाकी आपको बुरा लगेगा तो सॉरी एंड थैंक यू, और थैंक यू अंजू मैम और बाकी सबको। मैं 2 महीने से पूरे हैंग स्पीड को सुन रही हूँ, सब आंटी लोग की बातें सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। इंसान कुछ सीरियल से सीखता ही सीखता है लेकिन कुछ लोगों की बातों से भी बहुत कुछ सीखता है। जैसे सब लोग एग्जांपल भी देते हैं, बाहर की भी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। थैंक यू और अंजू मैम आपको भी। थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए। और आप अपना ऑडियो प्लीज एक शांत जगह पे शूट कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर रिकॉर्डिंग वहां पे करेंगी तो हमें आपकी आवाज और भी अच्छे से समझ में आएगी और सुनेगी। पीछे की आवाजें अगर हावी रहेंगी तो ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। बाकी आपने जहूर भाई को थैंक यू कहा है, मैंने भी उनको थैंक यू कहा है जो उन्होंने अपनी जो थॉट प्रोसेस शेयर किया था हमारे साथ कल के ऑडियो में। बाकी श्रद्धा के लिए आपने जो कहा है उसका जवाब तो श्रद्धा ही देंगी क्योंकि वो जो आपने कहा है वो हम सब ने फील किया है कि थोड़ा सा उनका सॉफ्ट कॉर्नर है अनुज के लिए। कई बार होता है ऐसा सीमा कि कोई करेक्टर हमें बहुत पसंद होता है तो इसमें जो है उस करेक्टर की विक्ट्री है कि वो करेक्टर इतना अच्छे से अपने को प्ले कर रहा है गौरव खन्ना, तो वो उस करेक्टर की विक्ट्री है। तो खैर आवाज की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि गौरव खन्ना की वाइफ की आवाज मैंने सुनी नहीं है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। तो थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार, आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड अच्छा था, एक बैलेंस्ड एपिसोड था, मतलब जिसके जो रिएक्शंस होने चाहिए थे वहीं दिखाए आज, तो देखे अच्छा लगा। अनुपमा का भी वो अधिक का पाखी को थप्पड़ मारना एंड वो सब देखना, उसे भी वो 25 साल के वो जर्नी उसे याद आई एंड जब वो पाखी को मतलब अपनी बेटी को भी उस हाल में देख रही है तो कहीं ना कहीं वो बात उसे चुभ रही है, उसे भी वो बहुत दर्द हो रहा है सब देख के। तो अनुपमा का भी वो रिएक्शन वो सब देख के मतलब
अच्छा लगा एंड आज वनराज का शाह हाउस में आना, सॉरी कपाड़िया हाउस में आना, फिर अधिक एंड बरखा की क्लास लेना एंड फिर वो सब अच्छा लगा जो जो एक्शंस आज लिए गए. पुलिस कंप्लेंट तक बात आई थी एंड विच वाज लाइक नीडेड. बट फिर वो पाखी का वनराज को रोकना एंड कहना कि हम पति पत्नी के बीच की बात है, आप क्यों पढ़ रहे हो वगैरह. तो ये सब अभी देख इंटरेस्टिंग होगा आगे कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज अभी के लिए पाखी अधिक के वो झूठे माफ़ीनामा और वो सब ड्रामा देख के वो तो पिघल ही जाएगी एंड वो मतलब प्यार करती है अधिक से, तो उसको लगता है शायद प्यार से सब ठीक हो जाएगा. तो वो उस इंटेंशन से शायद वो अभी एक्शन नहीं लेगी, बट मान तो समझ ही चुके हैं कि अधिक इज़ डबल फेस्ड, उसका असली चेहरा वो लोग शायद लाके ही रहेंगे. क्योंकि अनुज ने तो फट से पकड़ लिया जब प्रीकैप में, जैसे हमने देखा कि अधिक माफ़ी मांग रहा था, तो अनुज ने कहा कि ये सब जब जेल जाने की बारी आ रही है तो ये सब महानता वाले ये सब एकदम शब्द निकल रहे हैं, बट ये सब अधिक का ढोंगी है एंड ये सब जानबूझ के ये सब कर रहा है. तो अभी देखना ये होगा कि अनुपमा अनुज कैसे अभी अधिक पे तो नज़र रखेंगे ही ये लोग, क्योंकि उन्हें तो उस पर ज़रा भी विश्वास नहीं है. तो अभी इंटरेस्टिंग होगा आगे कैसे क्या एक्शंस होंगे, क्या कैसे डील करेंगे ये लोग. मुझे बस एक क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं, मतलब आप सबको शायद वो नॉर्मल लगा होगा, मैं शायद एक अलग वे में सोच रही होंगी, बट जब अनुपमा ने वनराज को पहले कॉल करके बोला कि आप बा बापूजी को लेके जल्दी से कपाड़िया हाउस में आ जाइए करके जब, एंड तो यूजुअली मतलब फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है हमारे घर में, जो हमारे साथ प्रेजेंट है उस टाइम पे, हम वो बात पहले उसको बताते. जैसे अनुज उस घर में था तो पहले मुझे ऐसे लगा कि शायद पहले अनुज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था एंड फिर बाद में शाह हाउस में वनराज को वो बता सकती थी. बट चलो ठीक है, मतलब अभी वनराज पिता है तो उसका डेफिनेटली हक है जानने का, तो उसने कॉल करके एक बुलाया कपाड़िया हाउस में. बट पता नहीं, मतलब अभी दैट मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम गलत था, बट शायद मुझे ऐसे लगा कि इंस्टेंट रिएक्शन अगर पहले कुछ होता तो क्या होता कि अनुज को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था एंड उससे सब बता के फिर वनराज को कॉल करके बुला लेती. बट ठीक है, मतलब शायद मैं कुछ और वे में सोचूं. आप मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे. एंड रही बात वनराज का ये जो कहना कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, तो फनी, मतलब इट्स सो फनी कि मतलब ये सब डायलॉग्स हम वनराज के मुंह से सुन रहे हैं, जो जबकि वनराज वो इंसान है जिसने 25 साल से अनुपमा के साथ यही किया है, मेंटली इमोशनली उसको टॉर्चर किया है, क्या क्या नहीं सुनाया है. एक बार तो हाथ उठाया था बट अनुपमा ने वो रोक लिया उसको. मतलब इतने इतने गंदे गंदे हमने ऐसे देखे गिरते हुए वनराज को, उस लेवल पे गिरते हुए, कि अब उसके मुंह से ये सब सुनना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हिपोक्रेसी हो गई. मतलब तुम खुद वही करो एंड फिर बाद में जब तुम देखते हो सामने वाले को अपने बच्चों के साथ ये सब करते, तब तुम्हें एकदम सब लॉज एंड सब दिखाई देता है क्या सही है क्या गलत है. बा ने भी कितने बार वनराज को बोलते हैं ना कि डिफेंड किया है उसके हर गलत चीज़ों के लिए ये, एंड जब वो फिर सडनली ऐसे बात करती है कि नहीं अधिक को सबक सिखाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा ऑड लगता है इन लोगों के मुंह से. इसके लिए मुझे ना शायद से कनेक्शन ही मेरा कनेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये जो दोगलेपन जो होता है ना, दोगलापन, ये यहाँ इन लोगों के घर में वो दिखता ही है. शाहज दोगले है. डिम्पी बहुत बदतमीज़ है, उसने मतलब हदें पार की, वो बहुत ही गलत है, बट उसने ये एक बात तो सही कही थी कि शाहज दोगले है एंड वो दोगले ही है. ऊपर से अभी अनुज का मुझे आज का स्टैंड अच्छा लगा कि वो उसने कभी भी किसी और का हक छीना नहीं है. उसे पता है कि पाखी अनुपमा एंड वनराज की बेटी है, तो सबसे पहला हक उन दोनों का ही है कि कोई भी अधिक से बात करने का, जो भी डिसीजन जो भी लेना है वो उन दोनों का हक है पहले.
तो इसीलिए मुझे वो एक अच्छा लगा है ना, आज उसने बोला कि भले अधिक बरखा भाभी का भाई है बट पाखी इस घर की बहू है, मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। तो वो एक स्टैंड आज अच्छा लगा उसने जो लिया। तो सही भी है कि हर बार, मतलब अभी है पेरेंट्स, अभी माता पिता करते ही रहते हैं वनराजन अनुपमा में, तो आज भी वो माता पिता ही आगे आएंगे एंड वही उनको ही लीड लेना होगा, तो वो सब ठीक ही लगा। ऊपर से मतलब ये भी है पाखी का अभी जो माइंडसेट है कि अधिक और हम अधिक प्यार करता है मुझसे, मैं उससे प्यार करती हूँ, पति पत्नी के बीच की बातें हम हैंडल कर लेंगे, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सब देखा है अपनी माँ को ये करते हुए, कि उसने भी हर बात मतलब हर चीज़ माफ़ की है, हर छोटी बड़ी चीज़ को अनुपमा ने इग्नोर किया है, फैमिली के नाम पे, पति पत्नी के बीच की बात है, इस नाम पे, इसके लिए पाखी ने वो सब देखा है। एंड बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, जैसे तोशु किंजल का भी इतना बड़ा जब वो कांड हुआ, एंड तोशु किंजल से क्या एक्सपेक्ट किया गया कि किंजल उसे माफ़ कर दे तोशु को, एंड फिर बाद में तोशु को मतलब उस टाइम पे जो रिएक्ट करना था सबने कर लिया, वनराज ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, अनुपमा ने भी तोशु को बहुत सुनाया, किंजल को सपोर्ट किया। एट दी एंड क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं अभी कि किंजल एंड तोशु अभी वो एक साथ रह रहे हैं एंड मतलब एक हद तक मतलब माफ़ी कर दिया ऐसे ही दिख रहा है। तो एंड ऊपर से लेटली हमने ये भी एक रूप देखा है तोशु की, उसको सेकंड बच्चा चाहिए था तो वो किंजल के पास जोर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की, ये भी एक दो एपिसोड्स में ऐसे दिखाया था। तो मतलब ये सब चीज़ें मतलब इग्नोर होती है एंड ऐसे हो मतलब भूल मतलब लिटरली वो चीज़ें इंसिडेंट्स भूल ही गए ऐसा लग रहा है। एंड अभी जब पाखी वो देख रही है कि किंजल एंड तोशु के बीच में अभी सब ठीक है, समर डिम्पल तो अभी उसने अभी तक देखा नहीं है बट घर में मतलब अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे हो करते हुए देखा है कि हर बड़े चीज़ में माफ़ी मिल जाती है कुछ भी करो तो चाहे, तो अभी पाखी के दिमाग में भी वही है कि सबने माफ़ किया है तो हम इसको अधिक को भी माफ़ करना पड़ेगा, हम संभाल लेंगे। तो वो अभी उस माइंडसेट में, जो कि उसे भी समझना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, अनुपमा अनुजन वनराज अभी जो समझा रहे हैं उसे वो अभी समझ लेना चाहिए, बाकी आगे नहीं तो प्रॉब्लम उसके लिए ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि अधिक तो बिगड़ेल है एंड अब वो नहीं सुधरने वाला, वो ऐसा कुछ और लेवल तक जा सकता है जिसके लिए जिस वजह से पाखी और प्रॉब्लम में हो सकती है, तो यू नेवर नो। तो ये देखना पड़ेगा अभी कैसे सिचुएशन हैंडल होती है, क्या होती है। एंड मुझे बस डर इस बात का है कि अगर कल को पाखी मतलब इतनी कुछ बात, हाँ डिवोर्स तक बात अगर पहुंच गई, अगर कल को सेपरेशन वगैरह हुआ, एलिमनी की बात करेंगे, तो अभी देखना ये होगा कि एलिमनी, क्योंकि शाहज तो शाहज है, कल को अगर बाण वनराज ने बोला कि मेरी बेटी का हक मिलना चाहिए उसे, तो कल को बात कपाड़े अंपायर की बात आ सकती है, तो कहीं ना कहीं फिर अनुज तो बेचारा वो तो सबके लिए दिल खोल के वो हेल्प करता है विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सॉरी, एंड होल हार्टेडली उसने सबकी मदद की है एंड मोस्टली फाइनेंशियली ही, मतलब हमने जितना अभी देखा है अनुज को, उसका रोल मतलब शाह के बच्चों के लिए जब भी उनको सुधारने की है करने की, तो एक वो उनको इस क्राइसिस में बचाने के लिए हमने देखा अनुज ने मॉनिटरली ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प किया, जैसे तोशु के टाइम पे जब उसका वो उसकी मेंटली वो थोड़ा पागल हो गया था वो सब किंजल के साथ करके एंड वो सब परी को घर से चुरा के लेके गया था, वो सब वो पूरे ड्रामे के बाद उसको एक मेंटली स्टेबल होने के लिए एक हेल्थ केयर में उसने भेजा था, वो किसके खर्चे पे, अनुज के खर्चे पे। नेक्स्ट समर के टेंडर की बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात की, डांस कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, तब अनुज ने 10 लाख की हेल्प कर दी फाइनेंशियली, वो उसने अपने खुद की मन से अनुज ने हेल्प की। नेक्स्ट पाखी अधिक की जब शादी की बात आई, संगीत की बात आई, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, मतलब जहाँ तक पैसों की बात आती है अनुज ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली।
फिर बाद में समर डिम्पी का भी वो चाहता था कि समर डिम्पी की शादी हो जाए बिकॉज वो दोनों प्यार करते थे, वो अच्छे इंटेंशन में उसने हेल्प की, डिम्पी का पूरे खर्च शादी का खर्चा उठाया, वो भी फाइनेंशियली किसने हेल्प की, अनुज ने। तो कहीं ना कहीं फिर जब ही हम सब चीज़ें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या अनुज सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए है क्या? मतलब एक टाइम पे तो ऐसा था जब पहली बार जब अधिक और पाखी में जब लड़ाई हुई थी तो अनुज ने जब पाखी से बात की थी, वो कॉफ़ी शॉप जाके उसके समझाने की कोशिश की थी, एंड फिर बाद में वनराज ने डांस एकेडमी में जाके कि अनुपमा को सुनाया था कि अनुज कौन होता है पाखी को समझाने के लिए, एंड फिर बाद में अनुपमा घर पे ही आके लड़ती है अनुज से कि आप होते मतलब होते नहीं, मतलब आप क्यों पढ़े, ये मैं माँ हूँ वनराज पिता है, आप क्यों पढ़े बीच में ये वगैरह। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में उसने अनुज से वो हक ही छीन लिया था, उसने वो हक दिया ही नहीं था, तो उस बात पे भी अनुज को बुरा लगा था। तो ये सब जब हम चीज़ें अभी देखते हैं या फिर अभी पाखी का अभी आगे पता नहीं, मतलब मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग अभी पता नहीं आगे क्या ट्रैक होगा, बट अगर एलिमनी तक बात हुई, कल कपाड़िया एम्पायर पे बात हुई, तो मतलब फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अनुज हक दे, अनुज ये करे वो करे? मतलब क्या वो सिर्फ एक ATM मशीन है? क्या वो सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बैठा है? तो ये सब देख के थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगता है कि जो उसे रिस्पेक्ट, जो बोलते ना प्यार जो मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बात बुरी भी लगती है, बट एनीवेज अनुज ने कभी वो हक जताया नहीं है, इसके लिए मुझे वो बोलते हैं ना अनुपमा एंड अनुज, इसके लिए वो सेल्फलेस और वो सब लगते हैं सबसे अलग है, इसी चीज़ की वजह से वो अलग है। तो आई होप अभी ये आगे का ट्रैक्स अच्छे से हैंडल हो। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए, और आपने जो पूछा है उसका थोड़ा सा मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगी कि इंस्टेंट रिएक्शन जो अनुपमा ने दिए वो एक्चुअली रिएक्शन, तो उसमें कुछ थॉट प्रोसेस जाता ही नहीं है, वो ऐसा एकदम से शॉक है कि बेटी को थप्पड़ पड़ता हुआ एक माँ के लिए देखना बहुत बड़ी बात है। वो तो इंस्टेंट रिएक्शन उसके ये नहीं आया कि उसने अधिक को थप्पड़ नहीं मारा, वहां पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करने के बाद उसने सीधा उसके पिता को फोन किया और पिता को फोन करके उसने कुछ नहीं बताया, और जब वो फोन लगा रही थी तभी अनुज वहां पे आ गया, तो उसने पहले वहां पे फोन करके बता के उनको यहाँ पे बुलाया, फिर अनुज को बताया होगा, इसलिए सीन कट टू वहीं से शुरू हुआ जहां पे वनराज के सामने अधिक खड़ा था। यहाँ पे भी मुझे जो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आप काफी जुड़ी हुई है अनुज के करेक्टर से, इसीलिए आपको लगता है कि अनुज को हर सीन में इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है आपके ऑडियो के बाद। तो खैर आपकी जो चॉइस है वो आपकी है, आपका ये प्लेटफॉर्म है, आपने अपनी बातें कह दी है। बाकी शाह परिवार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एक्चुअली मुझे रियल फैमिली ही वो लगती है, जॉइंट फैमिली, रियल फैमिली ऐसी ही होती है जहां पे कई बार चीजें बिगड़ती हैं, कई बार रिश्तों को संभालने के लिए बहुत कुछ होता है, कई बार रिश्ते टूटते हैं। मैंने अपने ही इन्हीं वीडियोस में कहा है, ऐसी एग्जांपल शेयर की हैं जहां पे तीली जला के रिश्तों को तोड़ दिया जाता है कि तेरा तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा कभी, ये रिश्ता हमारा टूट गया, मगर वही बाद में साथ में शादी में डांस भी कर रहे होते हैं। तो इसको दोगलापन नहीं कहते हैं, ये होता है कि संसार जो है इन्हीं रिश्तों के साथ ही आगे बढ़ता है। आप यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं मेरे साथ सहमत होंगी जो जॉइंट फैमिली से आती हैं, उन्होंने ये सब चीजें देखी हुई हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड है जो शाह परिवार में हमें दिखता है, जहां पे कभी खुशी भी होती है, कभी जोरदार लड़ाई भी होती है, तो ये दोगलापन नहीं होता है। डिम्पी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझती हूँ कि डिम्पी का करेक्टर ही ऐसा है, मगर अगर आप डिम्पी को यहाँ पे जस्टिफाई करती हो तो थोड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि शायद कुछ और तरह से आप सोच रही हैं। तो खैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोग भी इस पे जरूर बात कहेंगे, तो यही मुझे कहना है आपके ऑडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे बढ़ते हैं अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो पाखी और अधिक के मैटर को ही लेके चला, और पाखी ने आज बहुत गलत किया, पाखी समझ नहीं रही अनुपमा की बात, क्या वजह है पाखी ऐसा करने की। तो कल तक तो मुझे लगा, कल मैंने आपने कहा था कि पाखी शायद अभी ऐसा नहीं करेगी, जो उसने जो जिस तरीके से उसने कल अधिक को सुनाया, जो जो बातें की
तो मुझे लग रहा था कि अभी पॉकी पे कॉन्फिडेंस आ गया है, शायद वो अभी अनु किसको सबक सिखाएगी, पर आज उसने फिर से नहीं किया ऐसा। आज उसने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मना कर दिया और कहती है कि मुझे उसके साथ रहना है, उसके वो मेरा मैटर है, मैं देख लूँगी। बाकी ऐसा करने का कारण लगा था हमको कल तक कि वो प्रेग्नेंट है शायद, पर उसने अब तक ये बताया नहीं, क्योंकि आज तो सब में आ गई, पूरे फैमिली के सामने बात आ गई, तो उसने ये बात बतानी चाहिए पर अभी नहीं बताई, कल बताया शायद, हो सकता है कल बता भी सकती है, पर अभी तो कोई मैटर ही नहीं रहा कि अधिक को पहले बताएगी, क्योंकि रिश्ता बिगड़ गया है दो तीन बार थप्पड़ खाने के बाद, अब क्या प्यार और क्या ये बात है। तो ये बात अभी सरप्राइज जैसे नहीं, तो आज पूरा परिवार में पुलिस कंप्लेंट तक बात आ गई, तो ये बात बाकी आप बता सकती है पर सच है या नहीं ये पता नहीं। और आपने जो कहा, आपका भी देखा आज का शो, तो आपने कहा था कि वो शायद ब्लैकमेल कर रहा, तो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? तो ये आपने कहा कि कोई वीडियो या फिर कोई फोटो, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया अंजू जी कि ऐसा बाकी का पास्ट में क्या था, कि बाकी का ऐसा कुछ भी पास्ट किसी के साथ नहीं रहा। और हाँ, उसने जो बा उस पर जो शक करती थी कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, तो वो बहुत इसलिए वो अनुपमा से भी शिकायत करती है, तो अनुपमा उसको समझाती है, तो कहती है मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बा हमेशा मुझे इरिटेट करती है, बा हमेशा मेरे पे शक करती है और ये सब करती है, वो शिकायत करती रहती, पर अनुपमा बहुत प्यार से उसे समझाती है कि बा ऐसा क्यों करती है, तू गलत नहीं है बेटा, तू गलत नहीं करेगी, पर तेरे साथ गलत हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए बात उस पर नज़र रखती है, और बा अपने तरीके से बड़े हैं और वो तुझे समझाते हैं, और मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले रहता है, इसलिए बा तुझे ऐसा हमेशा टोकती है, तो तू समझना उनकी बात, समझना उनके तरीके से समझ, तो बहुत अच्छे समझाती, तो बाकी समझती भी इस बात को और कहती है नहीं मम्मी मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी, उसके बाद बाकी का तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं, हो सकता है अभी मेकर ने उस समय नहीं दिखाया और अभी कोई कहानी उसमें ऐड करे, तो ये नहीं मुझे पता अंजू जी, हो सकता है मुझे कुछ पॉइंट लगते भी आपके, अरे ये पॉइंट भी लगता है आपका सही, पर मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का नहीं है, क्योंकि अधिक, हाँ अधिक क्रिमिनल है, अधिक ने कभी प्यार ही नहीं किया, ये बात तो पूरी क्लियर है, अधिक प्यार ही नहीं किया, वो नाटक ही किया अनुजा अनुपमा के गुड बुक में रहने के लिए ही, क्योंकि उससे पता था उसकी बहन के तो पैतरे सब काम नहीं आने वाले, वो तो पूरे क्लीन चिट हो गई थी, उसको सब ने उसको समझ में आ गया था, तो उसको लगता था कि अभी मैं पाखी के साथ अच्छे से रहूँगा, तो इस परिवार का हिस्सा बना रहूँगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो मेरे साथ अच्छा होना है, कभी ना कभी तो अनुज बहुत अच्छे इंसान है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मेरा हक मुझे देंगे पाखी के लिए, ऐसा मुझे लगता है, और जॉब कर ही रहा था, और जब अनुज अनुपम अलग हो गए तो वो फिर अपनी बहन के साथ हाथ मिला लिया, उसको लगने लगा और उसकी बहन कैसी है तो सबको पता है, तो उसने वो फिर से उसने किया, पर उसको लगता था कि पाखी मुझसे प्यार करती है तो पाखी मेरा साथ देगी, पाखी का लालच भी उसने देखा था, पर पाखी ने दिया ही नहीं, पाखी अपोजिट हो गई, पाखी ने उसको से लड़ाई की, झगड़ा किया, उसको समझाया, वो उससे उसके खिलाफ जाके बड़ी से जाके शिकायत भी कर दी, पर उसने अधिक की नहीं की, उसने बरखा की थी, अमाया की बात कही कि चलो मनाने गई थी बड़ी को, अधिक के लिए उसने कभी गलत नहीं कहा, पर उसको लगता था ये, फिर उनके बीच में जो भी वो हुआ तो वो प्यार नहीं है, वो एक पति पत्नी का रिश्ता, शादी कर ली तो निभा रहा था, चलो अच्छे से रखूँगा पाखी को तो मैं कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखूँगा, ये सोच के वो प्यार अगर होता ना तो ऐसी घटिया हरकतें वो कभी नहीं करता। और हाँ, ये बात मुझे ज़्यादा, मेरा एक पॉइंट है कि मुझे क्या लगता है, अभी मुझे लग रहा है कि पाखी ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों नहीं समझ रही अनुपमा की बात, तो पाखी के मन में ये पहले से ये था कि लोग क्या कहेंगे, अगर उसको लगता है कि मेरी भी शादी तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तब भी उसने वनराज काव्या के रिश्ते पर भी उसने सवाल उठाया था कि मेरा, मुझे सब कहते हैं कि तेरा छोटा भाई और बहन आएगा क्या, तेरी मम्मी भी अभी क्या, मम्मी का भी बॉयफ्रेंड है, मम्मी ने भी बॉयफ्रेंड बनाया है, मम्मी भी शादी शादी वो अनुजा अनुपमा की शादी से भी बहुत खिलाती, बहुत कुछ गलत सुनाती है अपनी माँ को और नाराज़ रहती है उससे, पर हाँ समर उसको समझाता है कि अपने मम्मी के लिए करना है, मम्मी के लिए करना, मम्मी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, लोगों की बातों में नहीं आना, मम्मी की खुशियाँ देख रहा, वो समझ गई, उसे एक्सेप्ट किया और वो चली, पर उसको टाइम लगा, उसने बहुत इजीली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये बात अभी उसके मन में, और अभी और एक दूसरा भी डर है कि उसके दोनों फैमिली में किसी के भी रिश्ते टिके ही नहीं रहे, ये शादी कोई शादी ही टूट रही है, कोई एक परफेक्ट कपल नहीं है, ना अधिक ना तोशु और
किंजल का भी रिश्ता टूट ही रहा है, फिर से वनराज और काव्या का रिश्ता दो बार टूट गया। उसने देखा कि बरखा यानी पाकी सॉरी काव्या घर छोड़ के चले गई है, दो बार उसने रिश्ते टूटते टूटते बचे। और मम्मी और बड़ी का भी देखा उसने कि ये रिश्ते में भी दरार आ ही गई थी एक समय, कि कहीं ना कहीं वो दोनों भी अलग हो गए थे। अंकुश और बरखा का भी देख लिया कि कैसा क्या है, तो वो उसके मन में है कि मेरा भी रिश्ता टूटेगा, मेरा भी रिश्ता, तो मैं वो अपने रिश्ते को परफेक्ट, क्योंकि इनके सबके कोई ना कोई रिश्ते सिर्फ अनुज और अनुपमा का छोड़ के, ताकि सबके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई तीसरा अफेयर है उनका, किसी और के साथ संबंध है, इसलिए टूटे इनके रिश्ते। वनराज और अनुपमा का भी कि काव्या की वजह से, और काव्या और वनराज का भी यही टूटा था कि वो अनुपमा को लगता है कि अनुपमा को ये करता है, वो अनिरुद्ध के लिए शक करता था, तो उन लोगों के लिए ये था। किंजल के भी वो धोखा देता है, तो धोखे की वजह से उसको लगा रहा। अनुपुष और बरखा का भी कि किसी और औरत के लिए ये रिश्ता खराब हो गया, तो ये उसने देखा तो उसको ये लगता, उसके साथ में ये नहीं है ना कि वो उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, उसको ये लग रहा है कि अनुज जो गलत प्यार करता है, उसने पास्ट में देखा कि अनुज अधिक उसको प्यार करता था, और उसने किया भी, उसने दिखाया भी, प्यार भी दिखाया, तो उसको ये लगता है कि मैं इसको समझाऊंगी, ये मुझे गलत समझ रहा है, बिगड़ गया, बहन की बातों में आ गया, तो वो सुधारने के लिए ही उसको माफ़ करना चाहती है। वो नहीं चाहती अपना रिश्ता, वो चाहती, उसको ऐसा लगता है कि फिर से वो प्यार अधिक का मेरे लिए हो जाएगा। वो सोचती कि जब उसने मुझे समझा तो आज मुझे उसे समझना है, तो यही उसके मन में चल रहा है। मुझे लो यही ज़्यादा लग रहा है कि वो अभी समझना नहीं चाह रही किसी की बात को, उसको ये लग रहा है कि ये पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी तो बात तो और बिगड़ जाएगी, और फिर लोग क्या कहेंगे ये भी बात हो जाएगी, और रिश्ता और बिगड़ते बिगड़ते जाएगा, तो वो शायद समझाना ही चाहती है उसको। आज भी वो ये चाहती है कि वो पास्ट में जाके ये अभी सबके सामने ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी दूसरा नहीं है, पर पाकि अगर कर रही है तो गलत करे, प्यार के लिए इतना सहन करेगी तो ये भी गलत है, और कोई सुधरने वाला नहीं है। ये तो उसने भी समझना चाहिए कि अगर वो प्यार करता, कहीं भी उसके किसी भी कोने में कहीं भी उसके लिए प्यार होता, तो ऐसी हरकतें ही कभी नहीं करता। ये पाकि को समझना चाहिए, पाकि समझ नहीं रही है। और फिर से रिकैप में तो दिखाया है कि अनुपमा ने तो वार्निंग दे दी कि तुम लोग कुछ भी कर लो, पर मैं ये इस बात को नहीं ये करूँगी, मैं ज़रूर एक्शन लूँगी। तो अब देखते हैं अनुपमा का एक्शन क्या है, और पाकि को समझ में कब आता है अपनी गलती, कि पाकि गलत कर रही है, कब समझ में आएगा पाकि को। और हाँ, कल मैंने जो कहा था अंजू जी कि अनुज ने इन सबको बाहर निकालना चाहिए, इनको अपने रखना ही क्यों है, क्या क्या ज़रूरत है इनको रखने के लिए, क्या हक है इनका, और अपने परिवार की खुशी भी तो देखना चाहिए। तो आपने भी इस बात को पसंद किया, आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि सच है इनका कोई रिश्ता कज़न है वो, और ना हक नहीं है, लीगली हक नहीं है, और वो परेशान कर रहे हैं इनके साथ रह के, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे, उन्हीं के साथ साजिश, उन्हीं के बिजनेस को हड़पने के, अब तो बेटी को भी यूज़ कर रहे हैं, अब तो वो पाखी के भी साथ भी गलत कर रहे हैं। तो ये मैंने कल कहा था, तो कल मैंने कमेंट्स बॉक्स में पढ़ा तो किसी को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं होना होगा, और इनको निकालने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उनका मन कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व नहीं होगी, अनुपमा भी शाह हाउस जाती है और वनराज आता है रात को, आधी रात को आता है, जो भी वो कहते हैं, तो उनको मुझे ये कहना था कि वो बात का और इस बात से बहुत अलग है, शाह परिवार में अनुपमा का जाना, वनराज का उनके घर आना, ऐसे ये परिवार में इनको रखने का मतलब ही नहीं आता ना, क्योंकि वो अलग मैटर है। और हमने उस मैटर पे भी बहुत बार कहा कि अनुपमा, हमने हमेशा अनुपमा को कहा कि अनुपमा क्यों बार बार चल जाती है, अनुपमा ने लाइन क्रॉस करना चाहिए, अनुपमा ने नहीं बोलना सीखना चाहिए, वो पास्ट था, आज अनुपमा ऐसा नहीं कर रही है, अनुपमा हम देख रहे हैं कि अनुपमा जा नहीं रही है, उसको बुलाया जा रहा है इसलिए हो गई है उनके यहाँ पे, तो वो उसके बच्चों के लिए उसने कहा ना कि मैं माँ बनना नहीं छोड़ सकती और मेरे बच्चों के लिए मुझे जाना पड़ता है। अभी उसने किंजल डिम्पल ने फिर से उसका इंसल्ट किया, तो उसने जा भी नहीं रही है ना, फ़ोन भी नहीं कर रही है, तो मुझे ये बात कहनी थी उनसे कि मैंने इस ऐसा नहीं कहा, वो अलग प्लॉट पॉइंट है, वनराज का आना तो वो उसका भी मैंने विरोध किया कि वनराज क्यों आ रही, गलत बात है, एक सोसाइटी में अच्छा नहीं रहा, अरे उसको क्या हक है, जब
वो खुद अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहता तो उसको भी क्या कहे। मैंने उसकी बात का भी विरोध किया था, पर वो मैटर, ये मैटर अलग है कि अपने घर में 24 घंटे किसी को हमेशा के लिए रखना कहाँ तक सही है, जबकि इस टाइप के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं है ना वो। और जिसने को भी रखा तो वो सबका हमने रिजल्ट भी देखा कि उन लोगों ने क्या क्या किया इनके साथ। तो ये मुझे कहना था, तो इसलिए मैंने ये बात के लिए ये कहा था। और उन्होंने जो कमेंट्स किया तो उसका मैंने उन पर रिप्लाई दिया, पर शायद बहुत बात हम लोग बाद में पढ़ते नहीं पढ़ते, इसलिए आज मैंने क्लियर किया कि हम लोग, मैंने जो कहा मेरा पॉइंट ये था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। तो मेरा ये था मतलब अपने वीडियो में कहने का कि गलत कुछ वीडियो बनाई होगी, वो ये था, ये नहीं था कि पाखी ने कुछ गलत काम किया है। क्योंकि जैसे कि हम नॉर्मल न्यूज भी सुनते हैं, ऐसी कई हम चीजें देखते हैं जिसमें हस्बैंड इतने क्रिमिनल माइंडेड होते हैं कि अपनी ही वाइफ के वीडियोस बना लेते हैं, अपने ही कुछ ऐसे पलों को वो कैप्चर कर लेते हैं जिसमें खुद को नहीं दिखाते, या फिर कुछ भी ऐसा। ये मेरा सिर्फ अंदाजा है कि क्योंकि अधिक ऐसे क्रिमिनल माइंड का लगता है जो ऐसी चीजों से ब्लैकमेल कर सकते हैं कल की ये मैं वायरल कर दूंगा, कभी पाखी का ऐसा कोई ले लिया हो सीन या कोई कुछ भी। ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पाखी ने कुछ गलत नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाखी ने कुछ गलत किया है, अधिक ने कुछ गलत वीडियो बना लिया होगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट आप शायद समझ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच वर्षा, और कल आपने मेरे जो उसकी तारीफ की जो इंडिपेंडेंस डे पे वीडियो बनाया था उसके लिए भी थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, कुमदिनी जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी, दोनों सीमा जी, महिमा जी, शबनम जी, रेखा जी, लता जी, आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपका वीडियो देखा सवेरे कि आपने बताया कि पाखी की चुप्पी की एक और वजह, शायद आपने आज के वीडियो से आपके लगा कि अधिक के पास में कोई पाखी की ऐसी वीडियो क्लिप या कोई ऐसी कोई बात है, कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से पाखी चुप है। उसके बाद मैंने धारावाहिक आपके वीडियो देखने के बाद ही देखा था, तो मुझे जो वजह समझ में आई मैं आपको बताऊंगी कि पाखी शायद अनुपमा को भी बचाना चाहती है, क्योंकि अगर अधिक ने हाथ उठाया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो अनुपमा ने भी डिंपल पे हाथ उठाया, उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अगर बात पुलिस तक गई तो बहुत सारे ऐसे राज खुलेंगे जो कोई नहीं चाहेगा। और दूसरा मुझे जो लगता है कि पाखी को अभी लग्जरी लाइफ की आदत पड़ चुकी है, वो अपनी शादी भी शाह उससे नहीं करवाना चाहती थी, शादी का एक भी फंक्शन शाह उससे नहीं करवाना चाहती थी। तो अगर उसका और अधिक का डिवोर्स हुआ या कुछ हुआ तो उसे कपाड़िया हाउस छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे दो ये वजह लगती है। फिर आप बताइएगा मैम कि मैं गलत हूँ या सही। और मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में रोमिल के कहने से अनुपमा पाखी के कमरे तक जाती है और अधिक को देखकर थोड़ी सी सहम जाती है और पाखी का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाती है बाहर रूम से, और अधिक एकदम सकपका जाता है कि अरे यार आज मैं मुझसे ये क्या हो गया। तो अनुपमा के आज धीरज की परीक्षा थी, चाहती तो अनुपमा अधिक को उसी समय दो थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन अनुपमा ने वैसा नहीं किया। और दूसरा आज अनुपमा का ये अच्छा लगा कि अनुपमा ने बाहर लाके पहले पाखी से पूछा कि तू ऐसा क्यों सह रही है, तू दूसरी अनुपमा क्यों बन रही है, और वो भी आज की पढ़ी लिखी लड़की होकर। तो फिर दूसरा उसने वनराज को बुलाया कि आप बा और बापूजी अभी के अभी यहाँ मेरे घर पे आइए, ये भी उसने अच्छा किया, क्योंकि एक पिता को भी हक है कि उसकी बेटी के साथ में क्या हो रहा है वो जानने का पिता का हक है। इसलिए उसने अनुज को भी बताया और वनराज को भी बताया, और जुर्म को नहीं छिपाना चाहिए, गलत को गलत बोलना ही चाहिए, ये भी आज अनुपमा के भी है उसे पता चला। पर इन दोनों भाई बहनों के लिए तो मैम मुझे तीन चार कहावतें बोलने की इच्छा हो रही है। पहला, पढ़े लिखे गवार। मैं पढ़े लिखे गवार इन लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि ये अपनी पढ़ाई का दम दिखाते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई का दम ये लोग किसी की चीज़ चुराने में,
किसी के खिलाफ साजिश करने में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। इस पढ़ाई इस ज्ञान का उपयोग ये अगर जिस फील्ड में है जहाँ ये काम करते हैं उसमें लगाएं तो शायद बिजनेस भी बढ़ जाएगा। और दूसरी इन पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये भाई बहनों पे लागू होती है कि बरखा अकेले में अधिक को बोल रही है कि तुमने गलत किया है पाकी पे हाथ उठा के, लेकिन अभी वनराज और अनुपमा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और सबके सामने आके उल्टा बाको और सबको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी है कि गलती से हो गया, गुस्से में हो गया, आप लोगों को उसे मारने का कोई हक नहीं है, और अनुपमा तुम भी तो सब पे हाथ उठाती हो। तब अनुपमा ने कहा कि मैंने आप पे हाथ कभी नहीं उठाया, आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे बहुत जलील किया, मेरे फिर भी मैंने आपको कभी आपके उसका जवाब नहीं दिया बदतमीजी का, आपने सारी हदें पार कर दी हैं, तो मैंने आपको कुछ किया क्या? और बच्चों को मारने के पीछे वजह ये होती है बड़ों की कि हम बच्चों की गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आप सबकी नज़रों में पाखी गलत है भी गलत, लेकिन ना प्रेगनेंसी में तो पाखी ऐसा कभी नहीं सहेगी, क्योंकि पाखी जिस तरह की बोल्ड है वो अकेले में जिस तरह से मैम अधिक को बोल देती है कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम दोनों भाई बहन गलत हो, तो वो सबके सामने चुप है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुझे कपाड़िया हाउस नहीं छोड़ना है पाखी को, और दूसरा अनुपमा लग रही है कि वो अनुपमा को भी इस तरह से बचाना चाहती होगी। और जब बा ने ये कहा कि बेबी शावर के दिन भी इसी ने ऐसा ही किया होगा, तब बरखा ने उसका उल्टा मतलब लेके बा को ही डांटने लगी कि हाँ पाखी ने हाथ उठाया था ना। तब भी अनुपमा ने धीरज से शांति से दोनों की बातें सुनी और पाखी से पूछा, और पाखी ने बताया कि हाँ वो रिएक्शन था। तब अनुपमा को सारी बात अच्छे से समझ में आ गई, तो अनुपमा ने कहा कि पाखी तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम उसे सहन करोगी तो वो कभी सुधर जाएगा? अभी भी इसकी आँख में बेशर्मी है, हैवानियत है, इसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है इन लोगों को, तो तुम इसे मत करो। और कल के एपिसोड में मैम दिखाया जाएगा कि पाखी बोल अनुपमा बोल रही है कि तुम्हें जो करना है करो पाखी, लेकिन एक माँ को जो करना चाहिए मैं वो करूँगी, लेकिन अनुपमा आप एक बार पाखी को अलग से पूछ लीजिए, मेरे हिसाब से मैम मैं गलत भी हो सकती हूँ, और इन दोनों भाई बहनों पे तो खाली ढोल मचाए शोर वाली कहावत भी लागू पड़ती है। अभी अधिक का बरखा के कहने से माफ़ी मांगना भी गलत है, और झूठ इतने ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलो कि सच दब जाए ये भी इन दोनों भाई बहन का एजेंडा है, और चित भी मेरी पट भी मेरी ये भी दोनों भाई बहनों पे लागू होती है कहावत कि हम करें। और उसने बरखा ने जब बोला कि तुम किसी को मारती हो तो वो सही और मेरा भाई गलत कैसे हो गया, तो इसका मतलब चित मैं करूँ वो सही है। अनुपमा को उल्टा बोल कर उल्टा बता के ये ऐसा ही दिखा रही है कि हम दोनों विक्टिम हैं, हम दोनों पीड़ित हैं भाई बहन, हम सब तरह से पीड़ित है। और आज मैम रोमिल मुझे कहीं से इनोसेंट नहीं लगा, क्योंकि रोमिल ने जिस तरह से अनुपमा को वहाँ भेजा और बाद में आके बोलता है कि पर सही टाइम पे मैंने अनु आंटी को यहाँ भेज दिया, अब इन ये अपने सनीन लोग के साथ क्या करती हैं ये तमाशा देखने में मज़ा आएगा, तो इसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये बच्चा प्यार का भूखा है या इनोसेंट है। और डिम्पल ने फिर एक बार समर को उसके परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उससे ये कहा कि मैंने एक घंटे खड़े होकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, तुम्हारी मम्मी ने जब बंटवारा कर दिया था तो तुम्हें अपने परिवार के साथ में नाश्ता करने की क्या ज़रूरत थी, मैं भी भूखी हूँ, तो समर ने उसे इग्नोर किया, तो ये अभी और रायता फैलाएगी मैम। और ये अनुपमा को भी जेल पहुँचा सकती है डिम्पल, अगर ये बात आगे बढ़ी तो डिम्पल भी अनुपमा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है मैम।
थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत बढ़िया ऑडियो था, वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा के भेजिए तो अच्छा रहेगा, बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, कल मैं किसी वजह से ऑडियो नहीं भेज पाई, अगर आज थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो प्लीज़ सुना दीजिएगा अंजू जी। और एक बात श्रद्धा, मैंने रूल्स और अगेन रेगुलेशन पे तुम्हें कोई भी कमेंट नहीं किया है, सिर्फ उससे पहले जो तुमने कहा था ऑडियो में अनुज के लिए, और अंजू जी ने भी कहा था कि अनुज को, अनुपमा के कैरेक्टर को उठाने के लिए अनुज का कैरेक्टर गिराया गया था, तो ये बात सच है क्योंकि मैंने खुद देखा है कि गौरव खन्ना ने खुद एक लाइव ऑडियो लाइव आए थे और उन्होंने कहा था कि वो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सीरियल अनुपमा के नाम पे है, इसलिए प्लीज़ उसे, उस कैरेक्टर को आप देखिए, मेरा है कैरेक्टर लेकिन ये सीरियल अनुपमा पर बनी है इसलिए वो मेन रहेगी, और आपको भी यही सोचना चाहिए कि ये सीरियल अनुपमा पर ही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है जो अंजू जी ने कही थी। और आज का भी एपिसोड देखा अंजू जी और कल का भी देखा, कल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि अधिक ने जिस तरीके से पाखी से बात की और जिस तरीके से उसने अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी मम्मी कम पढ़ी लिखी हुई है फिर भी तुम्हारी मम्मी में सेंस है, और हमने, मैंने और मेरी बहन ने MBA किया तो हमें कुछ नहीं आता, तो अगर आता होता तो इतना बड़ा लॉस, तो तुम भाई बहन ने इतना बड़ा लॉस कैसे कर दिया, क्यों नहीं संभाल पाए तुम लोग कंपनी, ये तो ऐसी बात हो गई कि प्रॉपर्टी किसी और की और हक जपता है कोई और, और ये दोनों भाई बहन कुत्ते की दूम है जो कभी सीधी नहीं होगी। अनुपमा में सेंस है, कम पढ़ी लिखी है, लेकिन तुम लोगों के MBA सीखने वालों से भी ज़्यादा सेंस है, क्योंकि ये बात उसने हर बार प्रूफ की है। जब अनुपमा के डांस अकेडमी खोली थी अंजू जी, तब बाजू में जो कारखाना बहुत बड़ा था इसलिए आधे कारखाने में अकेडमी खोली थी, और उसी ने सजेशन दिया था वनराज को जब वो खाली बैठा था, उसके पास नौकरी भी नहीं थी, नौकरी चली गई थी, तब कैफे का आइडिया भी अनुपमा ने ही दिया था। और जिस सेंस की बात अधिक करता है ना कि अनुपमा में नहीं है, वो उसके पास बहुत सारा भर भर कर है सेंस, क्योंकि जब अनुज की एंट्री हुई थी और अनुज उसके घर आया था जन्माष्टमी पर बाई चांस समर की जान बचाई थी उसने, अनुज ने, और उसे उस टाइम पता नहीं था कि समर अनुपमा का ही बेटा है, और वो घर आए थे तब उसने कहा था कि अनुपमा तुम और वनराज दोनों मुझसे मिलने आ सकते हो मेरे ऑफिस। तब दूसरे दिन काव्या और वनराज गए थे, अनुपमा नहीं जाना चाहती थी, तब बापूजी और किंजल ने समझाया था कि मम्मी अनुपमा, मम्मी आप जा, आपको जाना चाहिए था, और बापूजी भी कहते अनुपमा तुम्हें जाना चाहिए था, तब बापू अनुपमा कहते कि बापूजी मुझे ये सब नहीं आता, तो तुम्हें, तुम्हारे पास बहुत आइडियाज है, तुम भी वही गलती कर रही हो, खुद को कम समझ रही हो। तब किंजल कहते मम्मी मिठाई के डिब्बे की कीमत होती है, मिठाई की कीमत होती है, तब वो कहते हैं मिठाई की, तो फिर मिठाई आप बनाइए, डिब्बा मैं बनाती हूँ, वो नहीं समझ पाई अनुपमा। तब बापूजी कहते कि तुम अपने आइडियाज दो, प्रेजेंटेशन किंजल बना देगी, और अगर उसमें वही सेंस नहीं होता अधिक तो वो प्रोजेक्ट उसका पास नहीं होता, उसी का प्रोजेक्ट आखिर में पास किया वहाँ अनुज की लीगल टीम ने, और इसी वजह से वो अनुज के साथ पार्टनरशिप में वो बिजनेस में उतरी।
अधिक कहता है कि मुझे और मेरी बहन को निकालने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, कपाड़े एम्पायर पे राज करना चाहती हो। सही कहा पाकी ने, मैं तुम लोगों की तरह सेल्फिश नहीं और मुझे वो कुछ चाहिए भी नहीं। अरे जब बड़ी और मम्मी के बीच में इशू हुए थे और वो अलग हुए थे, तब तुम और तुम्हारी बहन क्या कर रही थी? और उन दोनों को पास भी तुम दोनों भाई बहन मिलकर बड़ी और मम्मी को और दूर करना चाहते थे, उनमें दूरियां बढ़ा रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो मानो। सही कहा, कल एक एक सब पाखी का बिल्कुल सही था। और आज का भी एपिसोड देखा अंजू जी, सच में अधिक को एक आग की भी शर्म नहीं है, उसमें 1% तक की भी इंसानियत नहीं बची है। लेकिन फिर भी पाकी उसे क्यों माफ कर रही वो नहीं पता, क्यों वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। वो तो कहते हैं ना अंजू जी कि गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं बरखा और अधिक। जैसे प्रीकेप में हमने देखा कि वो कह रही है कि जल्दी से माफी मांग लो वरना ये लोग तुम्हें जेल पहुंचा देंगे। अरे कुछ तो शर्म करो बरखा, अगर यही सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तब मैं देखती कि तुम किस तरीके से बातें करती। तुम खुद एक बेटी की माँ हो, ये क्यों भूल जाती हो? और कहती है अनुपमा को कि तुम तो थप्पड़ क्वीन हो। अरे है थप्पड़ क्वीन, तुमने काव्या को मारा, तुमने तोसु को मारा, तुमने माया को नहीं मारा थप्पड़। तब वो कहती है भाभी आप में कुछ सेंस है? अनुज ने भी तो थप्पड़ मारा रोमिल को। तब कहते भाभी आप में कुछ सेंस है? जब छोटे गलती करते हैं तो उन्हें मारना पहले समझाते हैं, नहीं समझते तब उसे मारते, वो भी एक हद तक, उससे ज्यादा नहीं। और आपने तो मेरे साथ कितनी बदतमीजियां की है, यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है आपने, बहुत कुछ आपने मेरे साथ किया। अगर आप बड़ी है इसलिए मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, अगर वो छोटी रहती तो अनुपमा का थप्पड़ बरखा को भी मिलता और मारना ही चाहिए था। बड़ी गई, बड़ी बड़ी है, भाभी है, कोई बड़कपन है उसमें? 1% का भी बड़कपन नहीं है बरखा के अंदर। और आज तो बा ने भी सब कह दिया, क्या बात है बा, उस दिन आपने अधिक का साथ दिया लेकिन आज तो आप अपनी पोती का साथ दे रही है। सही हुआ, वनराज शाह कह रही है कि तुमने पाकी पे हाथ क्यों उठाया बरखा। अरे वो वनराज साहब पूरा पागल हाथी है, अगर उसे पता चलेगा तो वो पूरा पागल हाथी की तरह हमारे पीछे लग जाएगा। सही कहा, कौन सा बाप अपनी बेटी के ऊपर, आज तक वनराज ने क्या अनुपमा ने भी कभी पाकी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये कौन होता है? अनुपमा ने भी सही कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे माफ कर दोगे तो ये सुधर जाएगा? तुम तो आजकल की लड़की हो, तुम क्यों ये सह रही हो? आज जाके वो चोट दिखी अनुपमा को, जैसे हाथ लगाया वो उसे दर्द हुआ, तो जब खोल के देखती है तो सब सॉक्ट रह जाते हैं। अरे बाप रे, आपने भाई को ही बचा रही है? अरे कुछ तो शर्म करती। अरे भले पाकी तुम्हारी भाभी लगती होंगी या अगर तुम पाकी को नहीं भी पसंद करते, लेकिन तुम एक औरत तो हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत तक नहीं बची है? और क्या सही कहा अनुज ने कि जब इंसान जेल जाने वाला होता है तो इसी तरह से नाटक करता है, और ये भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है और नाटक कर रहा है, ये सुधरा नहीं है और अधिक सुधर भी नहीं सकता। और ये बात अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन पाखी क्यों छुपा रही है? अब देखा जाए तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेग्नेंसी की वजह से अगर वो छुपाती तो वो भी बात हम मान लेते, लेकिन वो भी नहीं है। और उस दिन अंजू जी मैंने अपने पहले ऑडियो में भी कहा था कि यही सब कपड़े पहने हुए थे और यही अपकमिंग ट्विस्ट दिखाया गया था कि वनराज और अधिक आमने सामने होंगे। वेल डन अनुपमा, आज तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि तुरंत वनराज को भी बुला लिया, बाप बापूजी को भी बुला लिया।
कि मेरी बेटी नहीं सहेगी, और ये आदमी सुधरने वाला तो नहीं है। अब देखते क्या दिखाते, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस पर अधिक पर हुआ तो बरखा भी जानती है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और उसकी सजा क्या होती है। अब तो बरखा को औरत भी नहीं कह सकते। और आज जो समर ने किया, प्राउड ऑफ यू समर, एक भी बातों का जवाब नहीं दिया उसने, सिर्फ बात सुनी और जैसे कहा कि तुम्हारी भाभी भी आई थी और मुझे लेक्चर देके गई, वैसे ही पलट के उसने उसकी आंखों में देखा। बहुत सही रास्ते पे जा रहा है समर। अब कह सकते हैं कि समर वापस आ चुका है। आखिर है तो अनुपमा का ही बेटा और उसी के संस्कार है, उसी के उसके अंदर भी। डिम्पी डाली डिम्पी ड्रैगन, अब तुम भी देखोगी कि समर क्या है। और बिल्कुल सही कहा सक किया समर ने, एक भी बात का जवाब नहीं दिया और चला गया वहां से। लेकिन जब अनुपमा वनराज को फोन करती कि आप अभी के अभी बाप बापूजी को लेकर यहाँ आ जाइए, पीछे से अनु सुन लेता और कहता है कि क्या हुआ। वहां पे रूमिल भी बोलता है कि मुझे ये फैमिली पसंद नहीं, लेकिन इनके ड्रामे बहुत पसंद आते हैं। रूमिल, अभी तक तुमने असली अनुपमा को भी नहीं देखा है। अब कह सकते हैं अनुपमा इज बैक, अब हमें दिखेगी पहली वाली अनुपमा। सही कहा अनुपमा ने कि अनुपमा मत बनो, मेरे जैसी मत बनो, जो मैं 25 साल मैंने जो किया वैसी मत करो तुम। दूसरी अनुपमा क्यों बनना चाहती हो? लेकिन पाखी गलत कर रही है, और हो सकता है शायद उस टाइम अधिक ने कोई फोटो खींची हो। वैसा दिखाया तो अभी तक नहीं है कि ऐसा कुछ अधिक ने किया था, ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन बात क्या है वो भी हमें कुछ दिनों में पता चली जाएगी अंजू जी। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और कल भी बहुत धमाकेदार है। देखते अब आगे क्या दिखाते अंजू जी। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी हाँ, कल जाके मुझे आपका वो स्वतंत्र पे जो आपने वीडियो डाला था वो मैंने कल देखा। सच में आपको हैट्स ऑफ यू, बहुत ही अच्छा था। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और श्रद्धा, तुम्हारा ऑडियो भी कल बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। बाकी लेंथ के लिए तो मैं कह ही चुकी हूँ, चाहे आप 10 दिन बाद भी ऑडियो भेजेंगे तो लेंथ प्लीज 10 मिनट्स की ही रखिएगा। ऐसी रिक्वेस्ट मुझसे मत बार बार कीजिए कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो बार बार आपको कहने के लिए कि लेंथ कम रखिए। मेरी भी मजबूरियां हैं कुछ, उसको आप प्लीज सब लोग समझिए। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए, नंबर है 9833155233। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।